अक्सर हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी, घर में पैसा बढ़ाने का या घर में पैसा टिका रहे उसके लिए कोई आप अच्छा सा उपाय बताएं। आज के इस एपिसोड में जो उपाय मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसे की कोई तंगी नहीं रहेगी। अगर आपका पैसा व्यर्थ जाता है, अगर आपका पैसा फिजूल के कामों में खर्च होता है, आपके घर में पैसा नहीं टिकता, तो आपके लिए आज का यह एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि आप भक्तों के जो प्रश्न हैं हम उनके उत्तर जल्द से जल्द दे सकें। जो जो भी कमेंट आप करते हैं उनको हम जल्दी जल्दी से रिप्लाई दे सकें। हमारे पास पिछले काफ़ी दिनों से हमारे बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आ रहे थे कि शास्त्री जी, पैसे की बरकत को बढ़ाने के लिए आप कुछ अच्छे से उपाय बताएं जिससे घर में पैसा टिकना प्रारंभ हो जाए। मुझे पूर्ण उम्मीद है अगर आप आज का यह एपिसोड पूरा देखते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसे की कोई तंगी नहीं रहेगी। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, आज रात 9 बजे 20 फरवरी को मैं आप सभी भक्तों से ज्योतिष मिराकल यूट्यूब चैनल पर लाइव जुड़ने वाला हूं। आप रिमाइंडर भर लीजिए, आज रात को 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी भक्तों से लाइव जुड़ूंगा। आपके जो जो भी प्रश्न हैं आप कमेंट में या ईमेल आईडी में अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। लाइव सेशन के दौरान आपके जो जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर हम देंगे, जो जो भी सवाल आप पूछेंगे उनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से याद कर लीजिए, आज रात 9 बजे आप सभी भक्तों ने लाइव सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना है। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री ज्योतिष मिराकल पर आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। प्यारे दर्शकों, जैसा कि आपने वीडियो के टीजर में देखा है कि रात का भोजन बनाने के बाद रसोई में जरूर करें यह एक काम, घर में कभी भी पैसे की तंगी नहीं रहेगी। साथियों, हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई स्थान है तो वह है पूजा घर। पूजा घर के बाद अगर सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण स्थान कोई है तो वह है हमारे घर का किचन, यानी कि रसोई। रसोई में ही हमारे घर का भोजन तैयार होता है, वहाँ पर बनने वाला हेल्दी पौष्टिक भोजन हम सब ग्रहण करते हैं जिससे हमारे शरीर में हष्ट पुष्ट तंदुरुस्ती आती है। रसोई में बनने वाला भोजन यह तय करता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, हमारे विचार कैसे होंगे। अगर रसोई में प्रेम से भोजन बन रहा है, बड़ी खुशी से भोजन बन रहा है, तो उसी तरह के विचार हमारे मन में आते हैं। अगर रसोई में भोजन बनाते समय स्त्रियों का मन प्रसन्न नहीं है, वे उदास हैं या किसी तरह की कोई टेंशन है, तो बनने वाला भोजन हमारे लिए कई बार चिंताओं का कारण भी बन जाता है। तो इसलिए रसोई में भोजन बनाते समय किसी तरह की चिकचिक नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हमेशा जब भी भोजन बनाएं सदा प्रसन्न मन से बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बार बार अपने उदास मन से भोजन बनाते हैं या रसोई में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो ऐसे में अन्नपूर्णा माता भी हमसे नाराज हो जाती हैं और हमारे घर में कहीं ना कहीं कोई रोग संकट कष्ट आने लगते हैं। तो इसलिए रसोई का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आज का जो उपाय है वो रसोई घर पर ही आधारित उपाय है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या एक काम करने से आपके घर में हमेशा धन धान्य, हमेशा पैसा रहेगा, आपके घर में ना तो कभी कोई बीमारी आएगी, आपका कोई ग्रह डाउन है उसका बुरा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा,
हमेशा आपके परिवार में सुख समृद्धि और शांति रहेगी। साथियों, एपिसोड को, उपाय को आपने बड़ा ध्यान से सुनना है, क्योंकि अक्सर जल्दबाजी के चक्कर में कई बार आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं, जिसके कारण महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस हो जाती है। तो इसलिए उपाय को आपने बड़ा ध्यान से सुनना है। तो चलिए, अब मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों से आग्रह करता हूँ कि माता रानी भगवती को नमस्कार करते हुए आज के उपाय की शुरुआत करेंगे। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कमेंट में माता रानी के नाम का जयकारा लगा देंगे। बोल साचे दरबार की जय। तो चलिए साथियों, अब आज के उपाय को शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं परिवार में, घर में पैसा टिकने के लिए क्या घरेलू उपाय हम कर सकते हैं। अक्सर हमारे पास बहुत सारे हमारे भक्तों के प्रश्न आते हैं इस चीज को लेकर के। तो अब मैं उपाय से आपको रूबरू करवाता हूँ। रसोई घर में जब भी आप रात का भोजन बनाते हैं, उस समय आपने इस कार्य को करना है। रात का भोजन बनाने के बाद जब सभी मेंबर के लिए भोजन बन जाए, उसके बाद जब सभी मेंबर रात का भोजन कर लें, आपने एक रोटी बनानी है श्वान के लिए। जी हाँ, सभी मेंबर का खाना बनाने के बाद सबसे लास्ट वाली जो रोटी है वो श्वान यानी कि कुत्ते के लिए आपने एक रोटी जरूर बनानी है। और उस रोटी में क्या ध्यान रखना है कि आम परिवार वालों के लिए जो रोटी हम बनाते हैं, उस रोटी से कुत्ते की जो रोटी है उसकी मोटाई एक या दो गुना ज्यादा होनी चाहिए। कुत्ते वाली जो रोटी है वो मोटी होनी चाहिए। सभी का भोजन बनाने के बाद सबसे अंतिम, सबसे लास्ट जो रोटी बनानी है वो कुत्ते के लिए बनानी है। और उस रोटी के ऊपर आपने चाहे तो आप मीठे बताशे रख सकते हैं या मीठी खील रख सकते हैं। अगर दोनों में से कोई अवेलेबल नहीं है तो चीनी भी आप रख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई रसगुल्ला, गुलाब जामुन पड़ा हुआ है वो भी आप रख सकते हैं। उस रोटी के ऊपर आपने कुछ मीठा जरूर रखना है। और उसके बाद जब सभी मेंबर रात का भोजन कर लें तो वह रोटी कुत्ते को खिलानी है। अपने घर के बाहर आप कहीं पर भी रख दें जहाँ से कुत्ता उसको खा ले। ये एक कार्य आपने करना है। और इस कार्य का कोई नियम नहीं है कि लगातार करना है या इस दिन करना है ना। जब तक आपका मन करे तब तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। किसी भी दिन से आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन करना है ये है शाम को यानी कि रात की रोटी बनाने के बाद। साथियों, हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि जीवों पर दया करना सबसे बड़ा पुण्य का कर्म है। और कौवे और कुत्ते को जो बलि दी जाती है, जो भोजन हम देते हैं, वो हमारे पितरों को भी प्राप्त होती है। इस उपाय के करने से सबसे बड़ा जो फल आपको इसका मिलेगा वो ये है, आपके घर में पितर दोष कभी नहीं होगा। अगर आपके घर में पितर दोष है या काफी लंबे समय से आप पितृदोष से जूझ रहे हैं, तो एक ये काम आप कर लीजिए, आपके घर में कभी भी पितृदोष नहीं होगा। दूसरा, आपके घर में अगर पैसे की कोई तंगी चल रही है, वो पैसे की तंगी आपकी दूर होगी और पैसे की बरकत आपके घर में होना स्टार्ट हो जाएगी। अगला जो इसका सबसे बड़ा रिजल्ट है कि अगर आपके परिवार में बीमारियां, रोग बहुत ज्यादा आते हैं, तो इस कार्य को अगर आप प्रति रात्रि करते हैं तो आपके परिवार में कभी भी बीमारी नहीं फटक सकती। आपके शरीर पर किसी भी तरह का कोई भी रोग है वो रोग भी शीघ्र अतिशीघ्र दूर होगा। बहुत ही जाना माना, बहुत ही शक्तिशाली सिद्ध उपाय है। तो आशा करता हूँ आज का उपाय आपको बेहद पसंद आएगा। अगर एपिसोड अच्छा लगा है लाइक शेयर जरूर करें। आज रात को 9 बजे लाइव सेशन में ज्यादा से ज्यादा आपने जुड़ना है। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे नए एपिसोड में मुलाकात होगी किसी और नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूँ। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर
बना रहे। कमेंट में माता रानी के नाम का जयकारा लगा देंगे। बोल साचे दरबार की जय।